आप काम करवाए हैं? लेबर हैं आप? लेबर हैं लागत। लेबर हैं आप? हाँ। ये नाली आप बनवा रहे हैं? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार गए गांव। कहाँ गया है? अरे चला गया अपने गांव में। ये नेशनल हाईवे का नाली है क्या? है? नेशनल हाईवे का नाली है? हाँ। ये रोड का नाली है ना, तो ठेकेदार काम करवा रहा है। हाँ। और ये बताओ आप लोग कंक्रीट कैसे कर रहे हो? देखो कंक्रीट आप लोग मिट्टी में ही किए जा रहे हो। ये देखो मिट्टी में कंक्रीट, मिट्टी में गिट्टी डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? ये आप पूरे मिट्टी में ही गिट्टी डाल रहे हो ना, सही है कि नहीं है? है? मिट्टी में गिट्टी, मिट्टी में कहीं पे गिट्टी डाली जाती है? सुने हो कभी? देखे हो? नहीं। ये देखिए ये वर्कर हैं यहाँ पे, और जाहिर सी बात है 200-300 रुपए उनकी पगार होगी। मैं इन्हें तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और ये जिम्मेदार भी नहीं है उसके लिए। ठेकेदार यहाँ के घर चले गए हैं जो भी पेटी पर काम लिया हो, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्ट तिरुपति बिल्डकॉम का है। और देखिए क्या हालात है कि मिट्टी के सहारे ही कॉन्क्रीटिंग की जा रही है। साथियों मैं आपको दुनिया का एक ऐसा अनोखा और अद्भुत ड्रेनेज सिस्टम दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आप भी बोल उठेंगे वाह क्या बात है। साथियों ये है नेशनल हाईवे 39, जिसका जिक्र मैं बार बार करता आया हूं अपनी वीडियोस में। और नेशनल हाईवे के किनारे देखिए यहां पर एक नाली बनाई जा रही है, और नाली किस अंदाज से बनाई जा रही है इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं, और इन प्लेट्स के साइड में ये देखिए यहाँ पर जहां पे मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस साइड से, यही साइड से ही इस ड्रेनेज में कंक्रीटिंग की जाती है। जहां पे मैं इंडिकेट आपको कर रहा हूं, ये पूरा मिट्टी के किनारे ट्रायंगुलर शेप में है, हल्का टिल्ट है, और इसी में कंक्रीटिंग भरी जा रही है। ये देखिए इसी में कंक्रीटिंग भरी जा रही है। अंदर देखिए अंदर सपोर्ट लगा करके और प्लेट्स को अच्छे तरीके से बनाया गया है, और कंक्रीटिंग कहाँ की जा रही है? कंक्रीटिंग मिट्टी से, ये देखिए मिट्टी से, और यहाँ पे कंक्रीटिंग डाली जा रही है। ये अद्भुत नमूना सिर्फ और सिर्फ आपको नेशनल हाईवे 39 के किनारे ही देखने को मिल सकता है। ये वही नेशनल हाईवे 39 है जिसका निर्माण पिछले दशक से चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से इस नेशनल हाईवे के किनारे इस ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है, आप जरा सोचिए जो कंक्रीट मिट्टी के सहारे हो, मिट्टी पर की जाए, वो कितने दिन चलेगी। और इसीलिए सुनने और देखने को मिलता है कि फला जगह रोड बनी और ध्वस्त हो गई, फला जगह नाली बनी और ध्वस्त हो गई। और देखिए नेशनल हाईवे का काम जो कि तिरुपति बिल्डकॉम के द्वारा किया जा रहा है, एक और कंपनी जो कि टेक्नो यूनिक थी काम छोड़ के भाग गई थी, अब बाद में इसका टेंडर तिरुपति बिल्डकॉम ने लिया है। और इस नेशनल हाईवे 39 के किनारे जिस प्रकार से इस ड्रेनेज का निर्माण किया जा रहा है, यह अपने आप में एक अजूबा है। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस दुनिया के 8वें चमत्कार के बारे में हर किसी को पता लग सके।